हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग 11th क्लास में आगे बढ़ते हैं। हमने सेट का डिफिनेशन पढ़ा है और कुछ महत्वपूर्ण सेट के संकेत को हमने देखा। आज हम लोग सबसे पहले क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं दो सिंबल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक सिंबल है आपका ये और ये है ये है आपका बिलोंग्स टू का सिंबल। किसका सिंबल है सर? बिलोंग्स टू। और ये है आपका डज नॉट बिलोंग टू। सिंपल है इसका मीनिंग। बिलोंग्स टू का मीनिंग होता है से संबंध रखता है। और डज नॉट बिलोंग टू का मीनिंग होता है से संबंध नहीं रखता है। थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। बिलोंग्स टू का हिंदी क्या हो गया? से संबंध रखता है। और डज नॉट बिलोंग टू का मीनिंग क्या हो गया? से संबंध नहीं रखता है। या फिर सर हम इसका मीनिंग ये भी दे सकते हैं, मे है या फिर मे नहीं है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल हम लेकर के आपको दिखाते हैं। जैसे एक सेट है ए ई आई ओ यू, हम कहें सर टी डैश डैश ए, आपको इस खाली स्थान को भरना है इस दोनों में से किसी एक सिंबल का यूज करके, तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि टी जो है सेट ए में मौजूद है कि नहीं। सर टी कहीं सेट ए में कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये डज नॉट बिलोंग टू यानी मे नहीं है, टी ए में नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ? टी डज नॉट बिलोंग टू ए, इसका मतलब टी सेट ए में नहीं है। आइए अगर सर ओ के बारे में पूछे, ओ तो हम सेट ए में देखेंगे जाकर के कि ओ है कि नहीं है, तो ओ दिख रहा है सर, तो यहाँ ये वाला सिंबल लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ओ बिलोंग्स टू ए, हिंदी में क्या हुआ? ओ सेट ए में मौजूद है। ओ सेट ए में क्या है? मौजूद है। तो टी आपका ए में नहीं था इसलिए हमने लगाया डज नॉट बिलोंग टू, ओ सेट ए में है इसलिए हमने लिखा ओ बिलोंग्स टू ए। ठीक, थैंक यू, नोट कर लीजिए। देखेंगे हम लोग मेथड्स टू रिप्रेजेंटिंग अ सेट, किसी समुच्चय को व्यक्त कैसे किया जाता है, समुच्चय को व्यक्त करने की विधियाँ। टाइटल आपको दिख रहा है, समुच्चय को व्यक्त करने की विधियाँ। अब देखिए सबसे पहले निरूपण तो आप लोग जान चुके हैं सर कि किसी भी सेट को दो मंझली ब्रैकेट के बीच में दिखाया जाता है ना। मंझली ब्रैकेट के बीच में जो भी अवयव है वो सारे अवयव को हम लिख देते हैं। आइए समुच्चय को व्यक्त करने की विधियों में दो विधि इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा दो विधि है सर। एक आपका है रोस्टर फॉर्म या सारणी रूप कह सकते हैं, सारणी विधि को इंग्लिश में कहते हैं टेबुलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहते हैं सर? टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म और कौन सा फॉर्म सर? रोस्टर फॉर्म। तो ये आपका सबसे पहली विधि है, समुच्चय को व्यक्त करने की सबसे पहली विधि है टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। आई अब इस विधि में करते क्या हैं सर? यह विधि काफ़ी आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। क्या करेंगे सर इसमें? क्या करते हैं, जैसे सेट ए लिखना है और भोवेल का सेट लिखना है हमको, इंग्लिश भोवेल का सेट। तो इंग्लिश भोवेल का सेट लिखना है तो इंग्लिश भोवेल कौन कौन होता है? ए ई आई ओ और यू। जो जो सेट के अंदर अवयव आता है उस सब को कोमा के द्वारा अलग करके लिख दिया जाता है। ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, है ये आपका भोवेल का सेट हो गया। किस मेथड में इसको लिखा गया है सर? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म मेथड लिख दीजिए, टेबुलर मेथड लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, टेबुलर मेथड, सारणी विधि। ठीक, तो ए आपका हो गया ए ई आई ओ यू। चलिए कह दिया प्रथम फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर का सेट लिखना है। फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर के सेट को किस रूप में लिखिए? टेबुलर फॉर्म में लिखिए। ठीक, तो कैसे लिखेंगे सर?
कैसे लिखेंगे जरा बताइए तो। तो फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर कौन कौन है, 1 2 3 4 5 लिख दीजिए सर, 1 2 3 4 5 कह दिया सर। फर्स्ट छः को सॉरी फर्स्ट छः प्राइम नंबर लिखना है, फर्स्ट छः प्राइम नंबर का सेट यानी अभाज्य संख्या का समुच्चय। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं सर, वैसी प्राकृत संख्या जिसमें जिसका सिर्फ दो गुणनखंड हो ना, एक और वह संख्या स्वयं। आइए सर तो क्या हो जाएगा जरा बोलो तो, प्रथम पांच अभाज्य संख्या बोला है, फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर, तो कौन हो जाएगा जरा बोलो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3 5 7 11 हो गया खत्म। प्रथम पांच अभाज्य संख्या का सेट हमने लिख दिया, यही क्या कहलाता है सर, सारणी विधि कहलाता। यानी सारणी विधि में किसी समुच्चय को लिखने का तरीका क्या होता है कि मंझली ब्रैकेट के बीच में सभी अवयव को कोमा के द्वारा अलग अलग करके लिख दिया जाता है, वही क्या है सारणी विधि है। वही क्या है सारणी विधि, ए ई आई ओ यू, बी हमने लिखा 1 2 3 4 5, सी लिखा 2 3 5 7 11, बड़ा ही सिंपल सा यह तरीका था। इसके बाद दूसरा तरीका होता है सर समुच्चय निर्माण विधि, प्रतीकात्मक विधि भी इसको कहते हैं, प्रतीकात्मक विधि या समुच्चय निर्माण विधि। कौन सा विधि सर, समुच्चय निर्माण विधि। बड़े ध्यान से सीखेंगे, प्रतीकात्मक विधि बोला है या फिर समुच्चय निर्माण विधि। प्रतीकात्मक विधि को इंग्लिश में कहते हैं सिंबॉलिक मेथड या फिर सर समुच्चय निर्माण विधि सेट बिल्डर मेथड। तो ये आपका प्रतीकात्मक विधि हुआ या फिर समुच्चय निर्माण विधि हुआ, सिंबॉलिक मेथड या फिर सेट बिल्डर मेथड। अभी देखिए, अभी आपने रोस्टर फॉर्म में लिखा है ना, हम इसी सब को इसी सेट को अभी प्रतीकात्मक विधि में लिख करके आपको दिखाएंगे। अच्छा प्रतीकात्मक विधि में सबसे पहले करते क्या है सर, इसका फंडा क्या है पहले ये तो बताइए, कैसे लिखेंगे सर। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करते हैं, सेट के अवयव को जनरलाइज कर दिया जाता है यानी सामान्य रूप में लिख दिया जाता है। जैसे सेट ए को अभी हमको लिखना है किस मेथड में, सिंबॉलिक मेथड से लिखना है। कैसे लिखोगे सर, तो सर इसमें कै गो अवयव है सर, 2 3 4 5 गो अवयव है। ये अंदर में जो ये आपका जो हिस्सा है सर जिससे मिलकर के ये सेट बना है उसको अवयव कहते हैं। चलिए तो ए ई आई ओ यू है, चलिए इसको हम एक नाम दे देते हैं एक्स सिंबॉल, यही आपका सिंबल हो गया। इस अवयव को एक सिंबल दे दिए, क्या सर एक्स। ये सिंबल है सच दैट का, एक्स सच दैट। अच्छा सर सच दैट मतलब क्या होता है, सच दैट मतलब इस प्रकार की, सच दैट मतलब क्या हो जाएगा इस प्रकार की, यानी ए में अवयव एक्स है इस प्रकार की। एक्स क्या है, एक्स क्या है जरा बोलो तो, ये कौन है, इंग्लिश अल्फाबेट में आने वाला वोवेल है, इंग्लिश अल्फाबेट में आने वाला वोवेल है। यानी एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या है इंग्लिश वोवेल है, इंग्लिश वोवेल है। तो हमने लिख दिया सर एक्स सच दैट एक्स क्या है, इंग्लिश वोवेल है। अच्छा सर बी, बी के बारे में लिखना होगा तो क्या करोगे सर, इसको भी सर बस वही काम करना है, एक्स से दिखाए सच दैट अब एक्स, यानी इसके बारे में लिख देना है सर। इसके बारे में आप क्या लिखते हैं सर, इसका एक ऐसा गुण लिखते हैं जो कि इसके प्रत्येक अवयव को संतुष्ट कर देगा। हमने कहा एक्स इंग्लिश भावेल है, तो सर यस सर ए भी इंग्लिश भावेल है, ई भी इंग्लिश भावेल है, आई भी इंग्लिश भावेल है, ओ भी इंग्लिश भावेल है, यू भी इंग्लिश भावेल। यानी इंग्लिश भावेल इस सारे अवयव का एक ऐसा प्रॉपर्टी था जो कि प्रत्येक अवयव को सेटिस्फाई कर रहा था। तो इसका मतलब सर एक्स के बारे में हम वो चीज़ वो गुण लिखते हैं, वो कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं जो इसके प्रत्येक अवयव को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। आइए सर
एक्स सच दैट एक्स, ये क्या है जरा बोलना भाई, ये क्या है? ये सर प्रथम पांच प्राकृत संख्या है। क्या है? प्रथम पांच प्राकृत संख्या। तो लिख दीजिए एक्स सच दैट एक्स क्या है? प्रथम पांच प्राकृत संख्या है। प्रथम पांच प्राकृत संख्या है। प्रथम पांच प्राकृत संख्या है। आइए सर सी नंबर लिखते हैं। सी सेट सी को लिखते हैं प्रतीकात्मक विधि में। कैसे लिखेंगे सर? ये 2 3 5 7 11 क्या है? अभाज्य संख्या। तो सबसे पहला काम, इस अवयव को एक सिंबल दो। क्या सर? एक्स। सच दैट एक्स क्या है जरा बोलो? प्रथम पांच अभाज्य संख्या है। एक्स क्या है? प्रथम पांच अभाज्य संख्या है। प्रथम पांच अभाज्य संख्या है। तो बच्चों हमने देखा आज मेथड स्टडी प्रेजेंटिंग ए सेट, समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां। अभी हम इस पर कुछ सवाल भी करेंगे, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक प्यारा सा सवाल आपका इंतजार कर रहा है। क्या है सर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर जीरो के हल समुच्चय को रोस्टर रूप तथा समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। कहने का मतलब क्या सर? इस समीकरण को जब आप सॉल्व करोगे ना, जो हल आएगा उस हल को रोस्टर रूप में भी लिखना है और समुच्चय निर्माण रूप में भी लिखना है, टेबुलर फॉर्म में भी लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है। आइए पहले सर समीकरण को सॉल्व तो कर लिया जाए, सॉल्यूशन इसका करते हैं। कौन सा समीकरण इक्वेशन दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर क्या सर? जीरो दिया हुआ है। अब देखो क्या करोगे भाई, ये तो द्विघात समीकरण है सर, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। कैसे सर? प्लस टू एक्स माइनस एक्स कर दीजिए, माइनस टू बराबर क्या आ जाएगा? जीरो। अब जरा देखो इस दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना बचेगा? एक्स प्लस टू, माइनस कॉमन आया एक्स प्लस टू, ये बराबर कितना सर? जीरो। अब जरा बोलो सर x प्लस टू इधर भी है, x प्लस टू इधर भी है, तो क्या करोगे? x प्लस टू कॉमन आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? x माइनस x प्लस टू आप यहाँ से तो उठा लिए हैं, तो वन ही ना बचा, नहीं कुछ तो क्या बचा? वन, ये बराबर कितना? जीरो। तो सर x का मान या तो माइनस टू आएगा या फिर वन आएगा। दो सॉल्यूशन आ गया इसका, माइनस टू और क्या? वन। आइए रोस्टर रूप में पहले लिखिए सर। सेट अगर सेट का नाम अगर हम देते हैं ए है, तो रोस्टर रूप सबसे पहला हम लोग कौन सा रूप लिख रहे हैं? रोस्टर रूप, रोस्टर फॉर्म उसको बोल सकते हैं आप। ए तो कौन कौन आ गया? माइनस टू आ गया, वन आ गया। अच्छा एक बात और, हम माइनस टू वन लिख दिए, कोई बच्चा कहेगा नहीं हम वन और माइनस टू लिखेंगे, आराम से लिख सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। सेट के अवयव को लिखने के लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ये बात ध्यान में रखना है, क्रम का पालन करना कोई आवश्यक नहीं है। आप माइनस दो पहले लिखिए या एक लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए तो माइनस टू कोमा वन, ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया सर। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कह दे लिखने के लिए, यानी प्रतीकात्मक विधि के रूप में कह दे लिखने के लिए, तब क्या करोगे? प्रतीकात्मक रूप में कैसे लिखेंगे जरा बोलना मेरे भाई। सेट बिल्डर फॉर्म है तो ए, इसमें सबसे पहले इस अवयव को क्या करते हैं? जनरलाइज करते हैं, यानी एक सिंबल दे देते हैं। क्या? कोई भी वाई दे दो, एक्स दे दो, जेड दे दो, हम एक्स दे देते हैं। एक्स सच दैट एक्स, अब उसके बाद इस अवयव के बारे में एक ऐसा गुण लिखो जो इसके दो इस दोनों को संतुष्ट करता है। तो सर ये क्या है? ये दोनों अवयव इसी का ना हल है, तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। अच्छा एक काम कीजिए, एक्स चूँकि पहले यूज हो चुका है तो एक्स मत लिखिए, यहाँ एक कुछ भी दूसरा कोई चीज़ दे दीजिए, कोई दूसरा चीज़ हम ए ले लेते हैं, क्या? स्मॉल ए। ए सच दैट ए क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर जीरो के हल हैं, के हल हैं। यही हो गया आपका कौन सा फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म। तो बड़ा ही आसान सा ये सवाल था, तो प्लीज़ आप इसको पहले नोट कर लीजिए। पॉज।
थोड़ा सवाल का एक अलग टाइप। आपको एक सेट दिया हुआ है, किस रूप में दिया हुआ है सर? प्रतीकात्मक रूप में दिया हुआ है। इसको किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में लिखना है। क्या करोगे सर? रोस्टर रूप में लिखना है तो एक काम कीजिए, पहले यहाँ देख लीजिए क्या क्या है। रोस्टर रूप तो आपको पता है सर, रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं ज़रा बोलना मेरे भाई। सर रोस्टर रूप में तो जो जो अभी अभी इसमें आएगा ना सबको लिखना पड़ता है। तो क्या कहता है? एक्स एक पूर्णांक है और एक्स का वैल्यू -3 से बड़ा है, 7 से छोटा है। नंबर लाइन कहीं बनाए हो? नंबर लाइन पे सर बीच में 0, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो सर इधर आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक आ गया ना। क्या कहता है? -3 से बड़ा यानी इधर की ओर और 7 से छोटा यानी इधर की ओर। चलिए सर इस बीच में जो जो पूर्णांक आएगा ना सर, कहता है वो सब होगा। यही ना कहता है जी, x such that x एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और 7 से क्या है? छोटा है। तो सर -3 से बड़ा कौन होता है? -2 होता है। तो लिखिए इसको -2। फिर कौन सर? -1। फिर कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बस हो गया। यही आपका क्या हो गया सर? रोस्टर फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया? रोस्टर फॉर्म। तो प्लीज़ पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। सवाल है, x such that x 6 से छोटी प्राकृत संख्या, इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखना है। जरा बोलो तो कैसे लिखेंगे? b बराबर क्या हो जाएगा सर? अवयव के बारे में क्या बोला है? 6 से छोटी प्राकृत संख्या। 6 से छोटी प्राकृत संख्या कौन कौन है? 1, 2, 3, 4, 5। बस ना, इसी को लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5। बहुत इजी है, बहुत इजी। एक और सवाल ले लेते हैं सर, जरा देखिएगा आप लोग ध्यान से। कहता है x such that x 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या है। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या है और अंकों का योग 8 है। लीजिए बोला, और अंकों का योग कितना है? बोलो भाई 8 है। अंकों का योग 8 है। हड़बड़ाना नहीं है, पहले सवाल को खूब अच्छे से समझ लीजिए। सी क्या बोला? x such that x 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या है। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जानते हो ना जी, गिनती का संख्या, प्राकृत संख्या है और अंकों का योग कितना बोला? 8 बोला। अच्छा सर 2 अंक वाला है ना, तो 17 सबसे पहले। 11 से 20 तक में कौन आता है सर? 11 से 20 तक में तो 17 आएगा। क्या 17 का देखिए ना, दोनों अंक जोड़िए, 1 + 7 कितना होता है? 8 होता है। फिर अब 21 से 30 तक में जाइए तो कौन आ जाएगा? 26 आ जाएगा। फिर सर 30 से 40 तक में कौन आएगा? 35 आ जाएगा। क्या फिर 40 से 50 तक में? सोचो कितना हो जाएगा? 44। फिर 53, फिर 62 आ जाएगा, फिर 71 आ जाएगा, फिर 80 आ जाएगा। 90 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि सर 90 में 9 + 0 कितना होता है? 9 हो जाता है। अब उससे जब आगे बढ़ेंगे तो 9 × 1 = 10, 9 × 2 = 11 और बढ़ता ही चला जाएगा। 8 आने का कोई चांस ही नहीं बनता है। इसलिए यहीं पे आकर के हम लोग थम जाएंगे। ये आपका आ गया 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। अब इसमें एक चीज़ आपको और हम सिखा रहे हैं सर। सर ये सेट ना है, ये सेट का क्या है? अवयव है। ये सेट का क्या है? अवयव है। ये सेट का क्या है? अवयव। एक प्यारा सा वर्ड आएगा, कार्डिनल नंबर। इंग्लिश में ये बहुत प्रचलित वर्ड है, अक्सर लोग पूछ देते हैं कि अच्छा सेट पढ़ के आया है, तो कोई सेट दे देता है, कहता है कार्डिनल नंबर बताओ तो क्या होगा इसका। बड़ा ही आसान चीज़ है, बहुत आसान चीज़। कार्डिनल नंबर किसको कहते हैं? कार्डिनल नंबर का हिंदी होता है अवयवों की संख्या। कार्डिनल नंबर का हिंदी क्या होता है? अवयवों की संख्या। तो चलिए इसका सेट ए का कार्डिनल नंबर तो ऐसे लिखते हैं इसको, एन ए बराबर। बोलो तो इसमें कई गो अवयव है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 गो है। इसका कार्डिनल नंबर बोलो तो मेरे भाई कितना होगा?
एक दो तीन चार पाँच चलिए सर, इसका कार्डिनल नंबर जरा बोलो तो कितना होगा, एन सी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो आ गया सर 8 आ गया। तो बड़ा ही आसान सा ये सवाल था, और ऐसे ऐसे ही सवाल आपके एनसीईआरटी बुक में है, उसी को मैं डिस्कस करूँगा कल के क्लास में। तो आज हमने पढ़ा सेट को व्यक्त करने की विधियाँ, सेट को किस तरह से व्यक्त किया जाता है सर, उसके लिए हमने दो विधि को पढ़ा। सबसे पहला था आपका रोस्टर रूप सारणी विधि, और दूसरा था प्रतीकात्मक विधि, जिसको हम समुच्चय निर्माण विधि भी बोले ना। तो ये दोनों विधि को हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल से पढ़ा, इस पर कुछ सवाल भी किए, तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कोई डाउट रह जाता है तो उसको भी हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर सकूं। तो आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, फिर कल मिलेंगे हम लोग। फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए सिग्नम का ये शानदार सा।